तो 13 सालों से लगातार प्रसारित होने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले अभिनेता घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। नट्टू काका की भूमिका निभाने वाले घनश्याम नायक ने लगातार दर्शकों का मनोरंजन किया। नट्टू काका पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। इस बात की जानकारी खुद तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता आशीष मोदी ने साझा किया। उन्होंने बताया कि नट्टू काका एक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले उनके 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। उम्र के कारण वह रोजाना शूटिंग पर नहीं जा पाते थे, लेकिन वह शुरुआत से लेकर अभी तक तारक मेहता का हिस्सा बने हुए हैं। नट्टू काका की भूमिका निभाने वाले घनश्याम नायक ने हमेशा अपनी कॉमेडी और अलग अंदाज से लोगों को खूब मनोरंजन किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उन्होंने जेठालाल के असिस्टेंट नट्टू काका की भूमिका निभाया करते थे। वो उनकी दुकान में काम करते थे और बाघा उनका भांजा था। नट्टू काका के अंग्रेजी बोलने का अर्थात प्रशंसकों को खूब पसंद आता था। वे अपने फनी इंप्रेशन से सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते थे।